तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र छेड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मुनिराज के 28 मूल गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मंगलाचरण से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोए सवसाहुणम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। मुनिराज के 28 मूल गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत पांच समितियों की चर्चा यहाँ चल रही है। पांच समितियों के नाम हैं इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और विसर्ग समिति। इरिया समिति और भाषा समिति की चर्चा अब तक हमने की, अब हम आज चर्चा करेंगे ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और विसर्ग समिति की। क्या है ये आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापना और विसर्ग समिति, आइए देखते हैं दौलत राम जी के शब्दों में। 40 दोष विनाश कुल सा भक्त ने घर असन को ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते ताजी रसन को सुच ज्ञान संजम उपकरण लखी के गए लखी के धरे निर्जंतु थान विलोकितन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। भावार्थ, मुनि 46 दोषों को टालकर श्रेष्ठ कुल वाले श्रावक के घर जो आहार ग्रहण करते हैं वह शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं बल्कि तप की वृद्धि का अभिप्राय से रसों का त्याग करके ग्रहण करते हैं। यह ऐषणा समिति है। विशुचिता का उपकरण कमंडल, ज्ञान का उपकरण शास्त्र और संयम का उपकरण पिच्छिका को संभाल कर उठाते यह आदान निक्षेपण समिति है। वे जीव रहित स्थान देखकर सावधानीपूर्वक शरीर के मल मूत्र आदि विकारों का विसर्जन करते हैं। यह व्युत्सर्ग या प्रतिष्ठापन समिति है। छियालीस दोष बिना, अर्थात मुनिराज 46 दोषों को टालकर आहार को ग्रहण करते हैं। मुनिराज अपने निमित्त से बनाए हुए भोजन को ग्रहण नहीं करते। श्रावक को प्रतिदिन शुद्ध भोजन बनाना चाहिए और उस भोजन में से जो अपने लिए बनाया गया हो उसमें मुनिराज को विभाग करके आहार देना चाहिए। वास्तव में श्रावक का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन शुद्ध भोजन करे। यदि श्रावक शुद्ध भोजन करेगा तो मुनिराज को आहार स्वयमेव प्रतिदिन मिल जाएगा। ये श्रावकों की कमजोरी है कि आज वे अशुद्ध आहार करने लगे हैं। वास्तव में श्रावक का भोजन अत्यंत शुद्ध और ऐसा होना चाहिए कि वह मुनिराज को कभी भी पड़घान करके आहार दे सके और श्रावक को अपने लिए जो भोजन बनाया हो उसमें से अपने राग को कम करते हुए मुनिराज को विभाग करके आहार देना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग संयुक्त फैमिली में, संयुक्त घरों में रहते थे, जहाँ 10 घर रहते हैं, 10 परिवार के अंदर 10 लोग रहते हैं, तो उस घर के अंदर यदि एक एक व्यक्ति अपनी आधी आधी रोटी भी विभाग करके दे देगा तो मुनिराज का भी आहार हो जाएगा और उन्हें भी आहार में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो वास्तव में मुनिराज समस्त प्रकार के जो दोष होते हैं जिनके निमित्त से आरंभ होता है, जिनके निमित्त से हिंसा होती है, ऐसे समस्त प्रकार के दोषों को टाल करके, समस्त प्रकार के अंतरायों को टाल करके मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। किसके घर आहार ग्रहण करते हैं?
श्रावक तने घर असन को, अर्थात श्रावक के घर में असन अर्थात भोजन को ले अर्थात लेते हैं। मुनिराज श्रावक के घर में आहार के लिए जाते हैं और मात्र अपनी मुद्रा को बताकर आहार को ग्रहण करते हैं। मुनिराज कभी भोजन की याचना नहीं करते, मुनिराज भोजन मांगते नहीं, ये मुनिराज की अयाचिक वृत्ति होती है। मुनिराज सिंह वृत्ति के समान होते हैं, जिस प्रकार सिंह याचना नहीं करता, निर्भीक और निर्भय होता है, उसी प्रकार मुनिराज किसी श्रावक से याचना नहीं करते, वे तो मात्र अपनी मुद्रा बताकर और खड़े रहते हैं। यदि कोई श्रावक उनके घर के आंगन में मुनिराज आए हों तो उनका नौदा भक्ति करके पड़गाहन करता है और पड़गाहन करके अत्यंत विनय से उन मुनिराज को आहार देता है। वास्तव में श्रावक मुनिराज के ऊपर उपकार नहीं करता, मुनिराज श्रावक के ऊपर आहार लेकर उपकार करते हैं। जो श्रावक ने घर बनाया, जो श्रावक ने आहार आदि बनाया है, वो उसने आहार आदि बनाने में जो आरंभ सारंभ किए हैं और उससे जो पाप का संचय हुआ है, उस पाप के संचय की निवृत्ति मुनिराज को आहार दान देने से होती है। तो मुनिराज श्रावक के घर में आहार को लेते हैं, लेकिन ले तप बढ़ावन हेत, अर्थात मुनिराज तप को बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं। मुनिराज अनशन, उमोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान आदि अनेक प्रकार के तपों को बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं। ले तप बढ़ावन हेत, अर्थात तप को बढ़ाने के लिए आहार लिया है। नहीं पोषते रसन को, अर्थात वे रस को पोषण करने के लिए, रसीला भोजन करने के लिए आहार को ग्रहण नहीं करते। नहीं तन पोषते तजि रसन को, अर्थात शरीर का पोषण नहीं करते और रसों का परित्याग करते हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। मुनिराज नमक, शक्कर, दूध, दही, घी और मीठा, इन रसों का क्रम क्रम से परित्याग करते हुए भोजन को ग्रहण करते हैं और इसी कारण से मुनिराज जैसा भी भोजन मिलता है, चाहे वह नीरस हो चाहे सरस हो, उसमें राग द्वेष नहीं करते। सरस भोजन में राग नहीं करते, नीरस भोजन में द्वेष नहीं करते। अपने लिए मुनिराज कोई वस्तु नहीं बनवाते। मुनिराज यहाँ तक कि बोल के अथवा इशारे करके भी किसी प्रकार के आहार को ग्रहण नहीं करते। ये समस्त दोषों का त्याग करके और अपने रसना इंद्री को वश में करके और रस नीरस जैसा भोजन बना हो उसको ग्रहण करते हैं और वास्तव में वे अपने तप को बढ़ाने के लिए आहार ग्रहण करते हैं। मुनिराज जिस आहार को ग्रहण करते हैं, उस आहार के द्वारा ध्यान, स्वाध्याय और तप को बढ़ाते हैं। वास्तव में मुनिराज का आहार वो धर्म के लिए है, क्योंकि वे जिस आहार को लेते हैं, उस आहार को लेकर वे उस शरीर को धर्म के साधन में लगाते हैं। मुनिराज शरीर को चलाने के लिए, देह की रक्षा के लिए और संयम के पालन के लिए आहार को ग्रहण करते हैं और जिस देह के लिए उन्होंने आहार ग्रहण किया है, उस देह को वो पूरी तरह से धर्म साधना में लगाते हैं। अर्थात वे स्वाध्याय में और अपने ध्यान के लिए इस आहार को ग्रहण करते हैं। यदि मुनिराज आहार को ग्रहण नहीं करेंगे तो ध्यान और स्वाध्याय निर्विघ्न रूप से नहीं चल सकेगा। संयम की रक्षा के लिए देह की रक्षा अनिवार्य है और इसीलिए मुनिराज देह की रक्षा के लिए, अर्थात अपने इस संयम के परिपालन के लिए और इस देह रूपी गाड़ी को चलाने के लिए मात्र आहार ग्रहण करते हैं। मुनिराज का आहार 5 प्रकार का होता है। कैसा है वो 5 प्रकार का आहार, इसकी हम एक अल्प विराम के बाद चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र। छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हमने बात की थी कि मुनिराज की आहार वृत्ति 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है 5 वृत्ति, तो उनके नाम है भ्रामरी, उदराग्नि प्रशमन, गोचरी, अक्षमृक्षण और गर्दपूरण, अर्थात गड्ढे को भरने वाली। तो मुनिराज की वृत्ति होती है भ्रामरी, अर्थात जैसे भंवरा पुष्प की गंध को सूंघता है
लेकिन पुष्प को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार मुनिराज श्रावक के घर पर आहार करते हैं लेकिन श्रावक को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचाते, उसको किसी प्रकार का मन वचन काय का कष्ट नहीं देते, उसको अंतरंग में खेद नहीं होता, किसी प्रकार से उसके ऊपर आर्थिक बोझा नहीं पड़ने देते, अर्थात बिना उसको किसी प्रकार की बाधा पहुंचाए उसके घर पर आहार ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार मुनिराज की वृत्ति गोचरी होती है। गोचरी अर्थात जिस प्रकार गाय को जब घास डालते हैं तो गाय केवल घास को देखती है और घास को खाती है। गाय ये नहीं देखती कि घास देने वाला कौन है, घास देने वाला कोई सेठ है कि कोई ग्वाला भिखारी है। गाय तो मात्र जो उसको दिया गया है उसके ऊपर दृष्टि रखती है। गाय दातार को नहीं देखती, गाय भोजन को देखती है। उसी प्रकार मुनिराज आहार मात्र देखते हैं कि यह आहार निर्दोष है अथवा नहीं है। मुनिराज ये नहीं देखते कि देने वाला निर्धन है अथवा धनिक है, अर्थात मुनिराज धनिक में और निर्धन में कोई भेदभाव किए बिना जहाँ उनको निर्दोष आहार मिलता है उस श्रावक के घर पर वे आहार को ग्रहण करते हैं। और वृत्ति होती मुनिराज की गर्त पूरण, अर्थात जिस प्रकार गड्ढे को भरा जाता है तो गड्ढे को भरने के लिए हम ये नहीं देखते कि गड्ढे के लिए कौन सी धातुएं लाई जाए, गड्ढे को हम जैसे तैसे भर देते हैं। उसी प्रकार मुनिराज अपने उदर के गड्ढे को जिस जिस प्रकार की वस्तुओं से भरते हैं वे ये नहीं देखते कि वह भोजन रसीला है, नीरस है अथवा स्निग्ध है, रुक्ष है। ये समस्त प्रकार का भेदभाव किए बिना मुनिराज तो मात्र अपने गड्ढे को भरते हैं। और एक वृत्ति होती है उदराग्नि प्रशमन, अर्थात जैसे हमारे घर में आग लग जाए तो हम उस आग को बुझाने के लिए जिस जिस प्रकार से जैसा तैसा पानी डाल के उस आग को बुझाते हैं। उसी प्रकार मुनिराज निर्दोष जैसा रस नीरस जैसा आहार मिलता है उस निर्दोष आहार से अपने पेट की अग्नि को बुझाते हैं। और मुनिराज का आहार होता है जिस अक्षम रक्षणी, अर्थात जिस प्रकार गाड़ी के अंदर हम तेल लगाते हैं और गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसी प्रकार मुनिराज इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए इसके अंदर तेल के समान आहार को ग्रहण करते हैं ताकि यह शरीर निरंतर चलता रहे। शरीर चलेगा तो उनकी संयम की साधना भी निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, इसलिए मुनिराज इस शरीर को चलाने मात्र के लिए आहार को ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम किसी नौकर को धन देकर और फिर उससे भरपूर काम लेते हैं, उसी प्रकार मुनिराज इस देह को आहार रूपी धन देकर फिर इससे ज्ञान ध्यान तप का भरपूर कार्य लेते हैं। इस प्रकार से मुनिराज की जो आहार वृत्ति होती है वो वास्तव में उनके ज्ञान ध्यान तप को बढ़ाने के लिए होती है। मुनिराज आहार शरीर को चलाने मात्र के लिए करते हैं, मुनिराज का आहार शरीर के लिए है, वास्तव में मुनिराज जीने के लिए आहार लेते हैं। गृहस्थों का आहार आहार के लिए होता है, गृहस्थों का जीना आहार के लिए होता है और मुनिराज का जीना आहार के लिए नहीं होकर मुनिराज का आहार जीने के लिए होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो दोष होते हैं, अनेक प्रकार के जो अंतराय होते हैं, अर्थात यदि आहार के अंदर कोई बाल आ जाए अथवा आहार के अंदर कंकड़ पत्थर आ जाए अथवा आहार करते समय किसी का रुदन सुन ले अथवा आहार के अंदर कोई जीव मरा हुआ आ जाए, तो इन सब चीज़ों को देखकर मुनिराज आहार का तत्काल त्याग कर देते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के अंतराय को टालकर और अनेक प्रकार के दोषों को टालकर निर्दोष आहार को मुनिराज ग्रहण करते हैं, यही है उनकी एषणा समिति। इसलिए कहा कि मुनिराज श्रावक के घर में आहार को लेते हैं, तप को बढ़ाने के लिए लेते हैं और तन को पोषण करने के लिए नहीं, और रस का नीरस का बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना निर्दोष आहार को लेते हैं। ये हुई उनकी एषणा समिति। अगली समिति का नाम है प्रतिष्ठापना समिति। क्या है ये प्रतिष्ठापना समिति? इसी को हम दूसरे शब्दों में विसर्ग समिति भी कहते हैं। और उसके पहले की जो समिति है उसका नाम है आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति अर्थात आदान अर्थात ग्रहण करना और निक्षेपण अर्थात रखना। तो मुनिराज कोई भी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो देख के ग्रहण करते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई जीव जंतु ना हो। उसी प्रकार से जब मुनिराज कोई वस्तु रखते हैं
तो वे देख के रखते हैं कि किसी प्रकार का कोई जीव जंतु तो नहीं है। पहले पीछे से उसका मार्जन करते हैं, पहले मार्जन करने के भी पहले वो उस आँख से देखते हैं कोई जीव जंतु तो नहीं है, और जीव जंतु नहीं है उस स्थान को देखने के बाद फिर पुनः पीछे से कोमल पीछे से उसका मार्जन करते हैं। मुनिराज की जो पीछे भी होती है वो किसी प्रकार के जीवों को बाधा नहीं पहुँचाती। मयूर के पंख अत्यंत कोमल होते हैं और उन कोमल पंखों से किसी प्रकार के जीवों की बाधा नहीं होती, और उस कोमल पीछे से वो सम्यक प्रकार से प्रतिलेखना करके अर्थात सम्यक प्रकार से मार्जन करके और फिर वो किसी भी वस्तु को उठाते हैं और धरते हैं। इसी को दौलत राम जी ने इस प्रकार से कहा है, सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। सुचि ज्ञान संयम उपकरण अर्थात सुचि माने सोच का उपकरण, ज्ञान का उपकरण और संयम के उपकरण, तीन प्रकार के उपकरण मुनिराज के कहे हैं। सोच का उपकरण होता है उनका कमंडल, और ज्ञान का उपकरण है जिनवाणी, संयम का उपकरण है पिछी। इस प्रकार से तीन उपकरण मुनिराज के होते हैं, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, सोच ज्ञान और संयम के उपकरण। पिछी और कमंडल ये सोच के और संयम के उपकरण कहे हैं, और जिनवाणी माता ज्ञान का उपकरण कही है। यद्यपि मुनिराज के दो ही हाथ होते हैं और दो हाथों से वे एक हाथ में पिछी और एक हाथ में कमंडल ले सकते हैं, इसलिए मुनिराज शास्त्र को ग्रहण करते हैं तो जिस स्थान पर कोई श्रावक उन्हें शास्त्र देता है वे उसी स्थान पर उस शास्त्र को पढ़कर और वहीं उस शास्त्र को विराजमान कर देते हैं। क्योंकि मुनिराज स्वावलंबी होते हैं, वे किसी पर का अवलंबन नहीं लेते, किसी पर अधीन नहीं होते, वे अपने हाथों से पीछे कमंडल उठाते हैं और किसी भी समय विहार कर देते हैं। यदि तीसरी वस्तु होगी तो उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और यही कारण है कि मुनिराज सोच के उपकरण और संयम के उपकरण तो सदाकाल अपने पास रखते हैं, लेकिन ज्ञान के उपकरण को जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर ग्रहण करते हैं और उसी स्थान पर छोड़ देते हैं। और इन तीन प्रकार के जो उपकरण मुनिराज के लिए कहे हैं, सोच संयम और ज्ञान के उपकरण, इनको देख के उठाते हैं और देख के रखते हैं, यही है उनकी आदान निक्षेपण समिति। और क्या है विसर्ग समिति, इसको हमें कल्प विराम के बाद पुनः समझेंगे। जय जिनेन्द्र। छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हम पांच प्रकार की समितियों की चर्चा कर रहे हैं, उसमें अब तक हमने ईर्या, भाषा, एषणा और आदान निक्षेपण समिति की चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे व्युत्सर्ग समिति की। व्युत्सर्ग समिति अर्थात व्युत्सर्ग माने छोड़ना। तो मुनिराज भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन के निमित्त से मलमूत्र उनके शरीर में एकत्रित होता है, तो जब वे उस मलमूत्र का त्याग करते हैं अथवा शरीर के अन्य भी मल को जब वो छोड़ते हैं तो वह निर्जंतुक स्थान पर छोड़ते हैं, अर्थात ऐसे स्थान पर मलमूत्र का त्याग करते हैं जिस स्थान पर कोई जीव न हो। जो हम यदि देखते हैं कि जरा सा पानी भी यदि चींटी के लिए होता है तो वह उसके लिए बाढ़ के समान होता है, तो इसलिए मुनिराज जब मूत्र आदि करते हैं, मलमूत्र का क्षेपण करते हैं, तो वे उस स्थान को देख कर के जिस स्थान पर कोई चींटी अथवा दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव न हो। इसी को दौलत राम जी के यदि शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा, निर्जंतु थान विलोकितन मलमूत्र श्लेषम परिहरे। अर्थात निर्जंतु के स्थान को देखकर, निर्जंतु थान निर्जंतु स्थान को विलोकी अर्थात देखकर, तन के मल मूत्र और श्लेष्म अर्थात नाक का कफ अथवा मुंह का थूक आदि जो भी शरीर में मल है उसको निर्जंतुक स्थान को देखकर वहां पर वे मुनिराज उसको छोड़ते हैं। वास्तव में मुनिराज का जीवन अत्यंत यत्नाचार पूर्वक होता है, वे जो भी क्रिया करते हैं वे जीवों की हिंसा को टाल के करते हैं, यही कारण है कि वे मलमूत्र भी जीवों की हिंसा को टाल के छोड़ते हैं। मलमूत्र करने का जो स्थान होता है वो अत्यंत दूर होता है, शहर से दूर किसी एकांत स्थान पर, जिस स्थान पर अन्य लोगों का आना जाना नहीं हो,
और जो स्थान विरोध रहित हो, अर्थात कोई व्यक्ति उस स्थान पर मलमूत्र करते हुए देखकर किसी प्रकार का विरोध न करे, किसी व्यक्ति का विरोध उत्पन्न न हो ऐसे स्थान पर, और वो स्थान बिल आदि से रहित हो, अर्थात उस स्थान पर किसी जीव जंतु के बिल आदि न हो, और विस्तीर्ण हो अर्थात लंबा हो, मैदान आदि जैसा स्थान हो, और वह स्थान गूढ़ हो अर्थात अप्रकट हो, अर्थात सामान्य लोगों के आने जाने से रहित हो, कोई उस स्थान को देख न पाए, ऐसा गूढ़ स्थान होता है, और उस गूढ़ स्थान पर अचित भूमि पर जो जीव जंतु को देखकर कि कोई प्रकार का जीव जंतु नहीं है, और विरोध रहित स्थान पर ऐसे स्थान पर मलमूत्र का क्षेपण करना वह विसर्ग समिति है। मुनिराज मलमूत्र का क्षेपण दिन में करते हैं, कदाचित रात्रि को भी यदि उन्हें मलमूत्र का क्षेपण करना पड़े तो दिन में पहले ही वो स्थान देख लिया जाता है कि जिस स्थान पर कोई जीव ना हो, और ऐसे स्थान पर ही जाकर फिर रात्रि में मलमूत्र क्षेपण कर सकते हैं। वह स्थान प्रासिक होना चाहिए, और कदाचित यदि किसी स्थान पर मुनिराज के निमित्त से कोई हिंसा हो भी जाए तो मुनिराज उसका पुनः आकर आचार्य के सामने प्रायश्चित करते हैं, आचार्य से प्रायश्चित आदि के रूप में कोई दंड लेते हैं, उस दंड को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पांचों समिति में यत्नाचार की मुख्यता है, अर्थात मुनिराज अपनी शर्तों पर सारा कार्य करते हैं। यद्यपि मुनिराज को चलना आवश्यक है इसलिए वे चलेंगे तो सही, लेकिन चलेंगे तो अपनी शर्त पर, अर्थात चार हाथ आगे की जमीन देखकर चलेंगे, और ऐसे स्थान पर नहीं चलेंगे जहाँ जो स्थान जीव जंतुओं से आकीर्ण होगा। उसी प्रकार मुनिराज बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो हितमित प्रिय वचन बोलेंगे, किसी की चुगली किसी की निंदा आदि रूप वचन नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार मुनिराज आहार को तो ग्रहण करेंगे, लेकिन जिस आहार को ग्रहण करेंगे वो ऐसा होगा जो उनकी शर्तों को पूरा करता होगा, अर्थात किसी प्रकार का जिसमें दोष नहीं होगा, किसी प्रकार का अंतराय नहीं होगा। और हम देखते हैं कि मुनिराज यद्यपि कोई भी वस्तु उठाते हैं धरते हैं, उनके जीवन में ज्ञान संयम और शुचिता के उपकरण को उठाने धरने का काम तो पड़ता है, लेकिन वो जब उसको उठाते हैं तो देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं है। उसी प्रकार जब रखते हैं तो भी जीव जंतु को देख के धरते हैं। यहाँ तक कि प्रतिदिन प्रातःकाल वे मुनिराज अपने जो भी उपकरण हैं उसका नियम से प्रतिलेखन करते हैं, उसका मार्जन करते हैं। अर्थात मुनिराज के लिए नियम है कि वह प्रातःकाल अपने ज्ञान और संयम के उपकरण को एक बार देख के उसको मार्जित कर दे, क्योंकि यदि वे स्थान को मार्जित नहीं करेंगे, उन संयम के ज्ञान के उपकरण को मार्जन नहीं करेंगे तो उसमें जीवोत्पत्ति होने की संभावना है। इसी प्रकार मुनिराज का जो संस्तर होता है अर्थात जो सोने का स्थान होता है, उस सोने के स्थान को भी जीव रहित और प्रासुक करके ही वे उसको ग्रहण करते हैं, अर्थात उस स्थान पर कोई जीव नहीं होना चाहिए। इसलिए मुनिराज के सोने का जो स्थान होता है वह प्रासुक काष्ठ का अथवा पत्थर का अथवा जो सूखे तृण होते हैं उनका आसन होता है, उनकी सैया होती है, और मुनिराज उस सैया की भी प्रतिलेखना करते हैं, उसका मार्जन करते हैं। मुनिराज प्रत्येक कार्य में जीव हिंसा को टाल कर और अपनी चर्या को साधते हैं। यद्यपि मुनिराज चाहते तो यही हैं कि हमें किसी प्रकार की प्रवृत्ति में आना ही नहीं पड़े, लेकिन ये प्रवृत्तियाँ ऐसी है, भोजन की प्रवृत्ति, मलमूत्र का क्षेपण करने की प्रवृत्ति, चीज़ों को उठाने धरने की प्रवृत्ति, चलने की प्रवृत्ति, जिनका कि उनके जीवन में त्याग होना असंभव है, इसलिए जब वो इन प्रवृत्तियों में आते हैं तो इन प्रवृत्तियों में रागादिक के अभावपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। तीव्र राग से हम जीवों की हिंसा का विचार नहीं करते। जब गृहस्थों को तीव्र राग होता है तो न वे चलने में विचार करते हैं कि कोई जीव है या नहीं है, न भोजन में विचार करते हैं, न किसी चीज़ के उठने धड़ाने में, न मलमूत्र का क्षेपण करने में। अर्थात गृहस्थ श्रावक की जो वृत्ति होती है वो अत्यंत रागमयी होती है, और इसीलिए रागमयी वृत्ति होने के कारण वे जीव हिंसा का विचार नहीं करते। लेकिन मुनिराज की समस्त वृत्ति वीत रागमय होती है, और इसीलिए उनके सहज में जीव दया पलती है। वास्तव में राग का अभाव होने पर हम किसी जीव की हिंसा को करते नहीं, और राग होने पर जीव हिंसा करते हैं। मुनिराज के जब तीव्र राग का अभाव हुआ है तो उनके जो भी वृत्ति होती है वो जीव हिंसा को टाल के होती है, और इसी जीव हिंसा को टाल कर जो वृत्ति होती है
उसका नाम है पांच प्रकार की समिति। इन पांच प्रकार की समितियों का वर्णन हमने अच्छे से समझा, अब हम समझेंगे और क्या क्या है मुनिराज के मूल गुण। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार। मुनिराज संयम की साधना के लिए ही योग्य आहार तथा विहार करते हैं। उनकी समस्त शारीरिक प्रवृत्ति शरीर के अनुराग के बिना होती है। हमें भी अपनी समस्त शारीरिक प्रवृत्तियां इस प्रकार करनी चाहिए जिससे जीव हिंसा ना हो।